नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किडनी के रोगियों के लिए तीन रामबाण उपाय। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए मैं ऐसे घरेलू उपाय लेकर आई हूँ जो उनको जल्दी ही ठीक कर सकता है। किडनी का कोई भी रोगी, चाहे उसका डायलिसिस चल रहा हो या अभी शुरू होने वाला हो, ऐसे में इन रोगियों के लिए तीन रामबाण उपाय हैं जो इन्हें इस रोग से छुटकारा दिला सकती हैं। तो आइए जानते हैं पहला उपाय, नीम और पीपल की छाल का काढ़ा। इसके लिए आपको नीम की छाल 10 ग्राम और पीपल की छाल 10 ग्राम लेनी है। अब 3 गिलास पानी में 10 ग्राम नीम की छाल और 10 ग्राम पीपल की छाल लेकर आधा रहने तक उबाल कर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 3 से 4 भाग में बांटकर दिन भर में इसका सेवन करना है। इस प्रयोग से मात्र 7 दिन में ही आपको लाभ दिखने लगेगा। दूसरा उपाय है गेहूं के ज्वारों और गिलोय का रस। गेहूं के छाल को धरती की संजीवनी के समान कहा जाता है, जिसे नियमित रूप से पीने से मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। और अगर इसमें गिलोय का रस मिला दिया जाए तो यह मिश्रण अमृत की तरह बन जाता है। इसे बनाने के लिए गिलोय का रस और गेहूं का ज्वार का रस मिलाकर दोनों का मिश्रण दिन में 1 बार रोजाना सुबह खाली पेट निरंतर लेने से डायलिसिस द्वारा रक्त चढ़ाए जाने की अवस्था में लाभ मिलता है। तीसरा उपाय है गोखरू काटा काढ़ा। 250 ग्राम गोखरू काटा लेकर 4 लीटर पानी में उबालिए। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो पानी को छानकर उसे बोतल में रख लीजिए और गोखरू काटा फेंक दीजिए। अब इस काढ़े को सुबह शाम खाली पेट हल्का सा गुनगुना करके 100 ग्राम के करीब पीजिए। शाम को खाली पेट का मतलब है दोपहर के भोजन के 5 से 6 घंटे के बाद। काढ़ा पीने के 1 घंटे के बाद ही कुछ खाइए और अपनी पहले की दवाइयों को रूटीन पूर्वक रखिए। जरूरत के अनुसार इस प्रयोग को 1 हफ्ते से 3 महीने तक किया जा सकता है, मगर इसका लाभ आपको 14 दिन में ही नजर आने लगेगा। अगर इसका कोई फायदा ना नजर आए तो इसे डॉक्टर और वैद्य की सलाह से आगे ना बढ़ाएं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किडनी के 3 रामबाण इलाज क्या है।